मैं अमृता किचन आप YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिक्स दाल बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमने ली है एक कप चने की दाल, एक कप मसूर साबुत, आधा कप मूंग छिलका दाल, जिसको हमने दो घंटे पहले पानी में भिगो दी थी, अब साफ पानी से धो लिया और इस तरह की ये गल चुकी है दाल, कम समय में बन जाएगी। एक टमाटर ले लिया जिसको हम ग्राइंडर मिक्सर में पीस लिया। लहसुन अदरक प्याज हरी मिर्चें इसको भी हमने ग्राइंडर मिक्सर में पीस लिया। जितना आपको चाहिए होगा उतना आप लहसुन अदरक हरी मिर्च और प्याज डाल सकते हैं। थोड़ा सा धनिया लिए दाल में डालेंगे और ये हमने साफ पानी से धो लिया बारीक बारीक काट कर। अगर इस चैनल में आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें। तो शुरू करते हैं दाल बनाना। पहले गैस ऑन कर देते हैं और कुकर को रख देते हैं। दाल को डाल देते हैं इसके अंदर। ये हमने ये वाला गिलास लिया, तीन गिलास पानी डालेंगे क्योंकि ढाई कप हमारी दाल है। ये तीन कप इसमें डाले थे, साथ के साथ ये लहसुन अदरक हरी मिर्च और प्याज ये डाल देंगे। थोड़ा ही धनिया डाल देंगे। एक चौथाई नमक चम्मच, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, साथ के साथ एक चम्मच देसी घी डाल दिया। ये पिघला लिया था हमने, ताकि इसलिए डाला ताकि उबले ना, और इसको मिला देते हैं। अब हम ढक्कन लगा देंगे। अब इसको ढक्कन लगाएंगे, इसको तीन चार विसल आने देंगे, उसके बाद हम खोलेंगे। कुकर की हमने चार विसल लगा ली है, अब हम खोल के देख लेते हैं दाल कैसी बनी है। वाह, क्या दाल बनी है, फर्स्ट क्लास बनी है। वाह, क्या मज़ा है दाल का, होटल स्टाइल दाल ऐसे बनती है। अब इसको तड़का लगाएंगे, दाल बन चुकी है, छोंक जिसको कहते हैं वो लगाएंगे डाबर स्टाइल। पैन रख लिया हमने, इसके अंदर हमने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल लिया। इसको हम ओपन कर देते हैं गैस को, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे अच्छी तरह। तेल गर्म हो चुका है, अब हम कश्मीरी लाल मिर्च और गर्म मसाला डाल देंगे। इसको थोड़ा अच्छी तरह हिला देंगे, साथ के साथ टमाटर भी डाल देंगे। इसको पकने देंगे अच्छी तरह। तड़का भून चुका है, अब हम इसके दाल के अंदर डालेंगे। गैस को बंद कर देते हैं। वाह, क्या दाल है। अब बाउल में सर्व करेंगे। हमने दाल को चार विसल लगा के बनाया है, दो घंटे पहले दाल भिगो के रख दी थी, तो इसलिए हमारा कम समय में दाल बन के तैयार हो गई है। फिर हमने उसको तड़का लगाया डाबर स्टाइल, तो इसलिए मेरी ये इस तरीके से अगर आप दाल बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी, निखर के आएगी, एक एक दाना अलग बनेगा। तो आप भी बना के देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और लाइक करने का पैसा नहीं लगता, आप लाइक जब करते हो तो मेरे को हौसला मिलता है। और वीडियो देखने का बहुत बहुत थैंक यू। तो अगली नई रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।